अस्सलाम वालेकुम, कल्चर कुजीन पे आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आज मुझे क्या हुआ, मैं उर्दू में क्यों बोल रही हूँ। मेन रीज़न ये है कि मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं लोगों के और उन्होंने सजेशन दी है कि अगर मैं उर्दू में अपनी वीडियोस करूँगी अपलोड तो बहुत से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इन वीडियोज़ से। सो आज से अब मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी वो उर्दू में होंगी, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगी कि इंग्लिश में सब टाइटल अवेलेबल हो। ओके, सो हम अपनी रेसिपीज की तरफ आते हैं। टुडे आज की जो रेसिपीज हैं बहुत इजी हैं, बहुत आसान हैं और बहुत जल्दी से झटपट बनने वाली हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, आप लंच बॉक्स के लिए कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए आइटम्स कह सकते हैं, एनी कोई भी स्नैक भी हो सकता है बच्चों के लिए। तो मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा टोस्टीज और सेकेंड थिंग जो मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए ही वो होंगे सेवरी पैनकेक्स। सो पहले मैं आपको पिज्ज़ा टोस्टी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैंने तैयार करके यहाँ रखे हुए हैं। सो पिज्ज़ा टोस्टीज के लिए ऑब्वियसली वी नीड सम स्लाइस ब्रेड। तो मैंने इधर 3 से 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं एंड मैं क्रस्ट नहीं काटूंगी, मैं क्रस्ट के साथ इस्तेमाल करूंगी। पिज्ज़ा सॉस इजीली अवेलेबल है हर जगह मार्केट में, तो आज मैं झटपट रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ पिज्ज़ा टोस्टी की। तो मैं पिज्ज़ा सॉस रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब मैं प्रॉपर पिज्ज़ा बनाना सिखाऊंगी मैं आपको पिज्ज़ा सॉस भी बनाना सिखाऊंगी घर में कैसे बना सकते हैं। सो बाकी ये है कुछ डिफरेंट टॉपिंग्स, ऑलिव्स हैं, ये 3 रंग की अलग अलग ग्रीन पेपर्स हैं, शिमला मिर्च जिन्हें कहते हैं, ये लाल वाली है, ये पीली और ये हरी, ये हेलोपिनोज हैं जो थोड़ी पिकल्ड हैं और उसमें थोड़ी स्पाइसीनेस भी होती है, एंड ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, ये कैन वाली स्वीट कॉर्न है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, सो वो पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगती, इज़ प्री कुक्ड। और ये चिकन मैंने पका के ऑलरेडी रख लिया है, ये मैंने लिया है 400 ग्राम चिकन, 400 ग्राम चिकन बोनलेस पीसेस, उसको मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड जूस ऑफ 1/2 लेमन लगा के रख दिया था छोटे छोटे पीसेस करके। फिर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल फ्राइंग पैन में गरम करके इसको पका लिया है जब तक इसका चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी नहीं है लेकिन बहुत मॉइस्ट है ये, तो ड्राई नहीं होंगी एज ए पिज्ज़ा टॉपिंग अगर हम डालेंगे पिज्ज़ा के ऊपर। ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, ऑब्वियसली अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम ये नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप यही चीज़ बड़ों के लिए टी टाइम स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो आप ये डाल सकते हैं। चीज़ ऑब्वियसली मोज़रेला चीज़, आप चेडर एंड मोज़रेला दोनों यूज़ कर सकते हैं, मैं मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ ग्रेटेड। एंड यहाँ पे टॉपिंग है डिफरेंट मीट के लिए टॉपिंग पेपरोनी और ये है टर्की रैशेस, तो ये हमारी मीट पिज्ज़ा के ऊपर जाएंगे। और ये है ओरिगानो हर्ब विच जो मैं यूज़ करूँगी एज हर्ब ऑन टॉप ऑफ चीज़ के ऊपर डालूंगी जब। तो हम शुरू करते हैं अपना पिज्ज़ा। मैं सबसे पहले स्वीट कॉर्न और चिकन बनाऊंगी, बस स्वीट कॉर्न एंड चिकन की टॉपिंग में यूज़ करूंगी और पिज्ज़ा सॉस। चलें हम अपने पिज्ज़ा टोस्टी की तरफ आते हैं। मैं पहले स्लाइस पे पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड करूंगी, आपके बच्चों को ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा लगा दें, आपको उनको कम पसंद है आप कम लगा दें, ये बिल्कुल आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और बास बच्चों को टमाटर्स के चंक्स भी नहीं पसंद, तो ये स्मूथ वाला पिज्ज़ा सॉस है, आपको चंकी भी मिल सकता है शॉप्स में अवेलेबल इजीली। ओके, अगर ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं ओरिगानो टमाटो सॉस के ऊपर ही स्प्रिंकल करूँगी एंड चीज़ के ऊपर नहीं, क्योंकि फिर वो बाज़ दफ़ा बच्चे नाक मुँह चढ़ाते हैं कि ये क्या नज़र आ रहा है ऊपर से। तो अब मैं चीज़ डालूँगी, देखिए कितना आसान है। थोड़ी सी स्वीट कॉर्न, थोड़े से पीसेस चिकन के, अब मैं इनको स्प्रिंकल करूंगी स्प्रेड आउट ताकि हर थोड़े पीसेस हर जगह हों। ये तो हमारा हो गया पहला पिज्जा बच्चों के लिए रेडी।
रियली इजी, रियली क्विक, आप किसी भी टाइम उन्हें बना के दे सकते हैं ये। अब मैं दूसरा ये तैयार करूंगी ताकि मैं ग्रिल में एक ही टाइम पे डाल सकूं। ऐसे सारे में सब स्प्रेड करते हैं पिज्जा सॉस ताकि ड्राई नहीं रहे। सेकेंड टॉपिंग ये थोड़ा पेपर्स के साथ, ये हमारा वेजिटेरियन पिज्जा हो जाएगा वेजिटेबल्स के साथ। आप चिकन भी इस पे ऐड कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं। कि मैं अब इस पे बाकी के ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत बारीक काट के रखे हैं। बाज दफ़ा बच्चों को बड़े पीसीस भी पसंद नहीं होते, और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने बारीक काटे हैं कि ये पिज्जा टोस्टीज हैं तो इसका एरिया बहुत छोटा है कि मैं इस पे स्प्रिंकल करूं बड़े बड़े पेपर्स, तो बहुत बारीक करके रखे हैं मैंने। इस पे बड़े बड़े पेपर्स अच्छे भी नहीं लगेंगे, थोड़ा सा कलर देने के लिए ग्रीन पेपर। इस पे मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न, इस पे मैं नहीं डालूंगी, इस पे मैं बस चिकन डाल दूंगी। चिकन पीसेस तकरीबन हर जगह पे। ओके, मैं तीसरी टॉपिंग अपनी ट्राई बनाऊंगी वो है, उससे पहले कि मैं तीसरी बनाऊं मुझे यहाँ जगह बना लूं। ओके, मैंने वायर रैक पे ट्रांसफर कर दिए हैं ये दोनों पिज्जा टोस्टीज, बिकॉज ये ग्रिल में जाएंगे। इस पे मैंने ओरिगानो ऊपर से स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा। ओके, अब मैं अपना मीट का पिज्जा के टोस्टी रेडी करूंगी। ओके, चीज डालूंगी ये टर्की रैशेस के कुछ पीसेस। एक दो पेपरोनीज, और जगह नहीं है इस पे क्योंकि एक ही बहुत है इस पे फिर। और मैं एक दो ऑलिव्स डालूंगी इसमें, एंड ऐसे ही दो चार पीस हैलापीनोस के। और थोड़े से अगर आपको हैलापीनोस नहीं अवेलेबल और आप स्पाइसी भी चाहते हैं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने थोड़ी सी ये चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल की हैं क्योंकि हम एडल्ट्स को थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। साथ में मैं थोड़ी सी चीज़ और स्प्रिंकल करूंगी ताकि टॉपिंग थोड़ी सी कवर हो जाए, और ओरिगानो। ये हमारा मीट फीस्ट हो गया, और अब मैं एक बनाऊंगी सिर्फ वेजिटेरियन। ओके, ये हमारा वेजिटेरियन पिज्जा होगा। आपकी टॉपिंग्स आपके ऊपर है, आप जो आपको पसंद है। बाज दफा आप बच्चों को मशरूम्स नहीं पसंद होते तो मैंने मशरूम्स इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अगर आप यही चीज किसी बड़े के लिए बना रहे हैं और उनको मशरूम्स पसंद है तो आप मशरूम्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत से पिज्जा प्लेसेस अमेरिका में स्पेशली बहुत ऑड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे
बैंगन और तोरी भी इस्तेमाल करते हैं एज अ पिज्जा टॉपिंग। तो ये बिल्कुल आप पे अपनी डिपेंड करता है आपको क्या टॉपिंग्स पसंद है। ये मैं थोड़ी सी चीज और लूंगी। आप इसको चाहे तो मार्गरिटा बना लें, इसमें कोई टॉपिंग नहीं डालें, बस चीज एंड केचप और पिज्जा सॉस, सॉरी अब मैंने केचप कह दिया, पिज्जा सॉस एंड ओरिगानो स्प्रिंकल कर लें। ओके, मैं डालूंगी डिफरेंट वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन पिज्जा है, पेपर्स, ऐड करता है एंड अट्रैक्टिव बनाता है किसी भी डिश को, कलर्स एपेटाइजिंग हो जाते हैं कोई भी चीज फिर। एंड थोड़े से स्वीट कॉर्न, ओके, एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ और ओरिगानो। इनके चारों रेडी हो गए हैं, मैं रखने लगी हूँ ये अवन में, मेरी ग्रिल ऑन है, इट्स नाइस एंड हॉट, सो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में, मे बी 2 to 3 minutes एंड ये रेडी हो जाएंगे। ओके, ये देखें, आप देख सकते हैं चारों पिज्जा हमारे रेडी हैं, इसको लिटरली 5 to 7 minutes लगे हैं। ये हमारा चिकन वाला है, ये चिकन एंड वेजिटेबल्स हैं, ये सिर्फ वेजिटेरियन वाला है और ये मीट वाला है। ओके, ये सब रेडी हैं, हम जस्ट थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी, थोड़ा सा ये ठंडे हो जाए फिर, ताकि मैं इनको हैंडल कर सकूँ, मैंने काट के ट्राइंगल में सर्व करूँगी। ओके, जब तक हमारे पिज्जा ठंडे हो रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने पैनकेक्स का मिक्सचर रेडी कर लूँगी। मैं वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पिज्ज़ा के लिए इस्तेमाल किए हैं, वही चिकन है, वही पेपर्स हैं, स्वीट कॉर्न एंड चीज़। चीज़ में मैंने चेडर भी मिक्स की है। नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ हम अपने घर के लिए, तो मैं गोट्स चीज़ या फेटा चीज़, ग्रीक चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और बच्चों को पसंद नहीं आता, तो मैं बच्चों के लिए चेडर एंड मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने हाफ कप ली है, इसमें हाफ चेडर है और सॉरी 1 cup है ये, और हाफ कप चेडर एंड हाफ कप मोज़रेला है। सो ये है, मैं बैटर बनाऊंगी पैनकेक का। पहले मैंने यहाँ 1/2 cup प्लेन फ्लावर लिया, प्लेन सिंपल मैदा जो होता है, उसमें मैंने 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड किया है। एंड ये मैं 2 अंडे यूज़ करूँगी इस पैनकेक के बैटर के लिए, मेरे छोटे साइज़ के अंडे हैं, अगर आपके पास लार्ज एग्स हैं तो 1 egg भी बहुत है, और ये 1/2 cup दूध है। तो पहले मैं बैटर को मिक्स कर लूँ, फिर मैं अंडे मिक्स डालूँगी, पहले दूध से बना लेती हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। अच्छे से मिक्स कर लें, इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो खत्म हो जाए। अंडे डालूंगी इसमें, इसमें आप अपने हिसाब से नमक कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने कम डाला है क्योंकि चीज भी सॉल्टी होती है और चिकन में भी मैंने पकाते हुए नमक ऐड किया था। आप देख सकते हैं बैटर रेडी है, बहुत स्मूथ है, इसमें कोई लम्प्स नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर आपका बैटर स्मूथ नहीं बनता है तो आप इस टाइम पे उसको छान सकते हैं, तो ताकि वो लम्प्स रह जाएं पीछे छन्नी में, आपके पास बिल्कुल ऐसा ही स्मूथ बैटर आ जाएगा फिर। ओके, अब मैं बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करूँगी।
चीज़ मैं सारी डाल रही हूँ इसमें, चिकन, चिकन मैं हाफ डालूंगी क्योंकि मुझे बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करना है। स्वीट कॉर्न भी थोड़ी सी डालूंगी मैं कि पेपर इस बार दफा बच्चों को पसंद नहीं आते टेस्ट में, लेकिन इसमें पैनकेक्स में वो बहुत कलरफुल लगेंगे, तो बेहतर है कि आप तीनों कलर की अवेलेबल हैं अगर पेपर्स तो आप डालें क्योंकि ये बहुत अच्छा कलर देंगे। रेडी हो गया कि मैं इसमें चिलीज अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप वैसे बड़ों के लिए बनाना चाह रहे हैं टी टाइम स्नैक्स तो आप चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हैं ऑन टॉप या उसमें मिक्स कर दें बैटर में भी, या हरी मिर्च आप डाल सकते हैं और इवन चिली सॉस ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं आप। ओके चलें हम अपने पैनकेक्स तैयार करते हैं अब। ओके मैं इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैंड हो जाएगा अदरवाइज, इवन बच्चों के लिए भी सिर्फ अगर नमक है एंड वेजिटेबल्स होगा इसमें, तो ये थोड़ी सी ऐड की है मैंने, ज़्यादा नहीं। चले okay, मैं थोड़ा सा रफली अबाउट टीस्पून ऑफ ऑयल में डालूंगी इसमें और मैं सारे में स्प्रेड कर दूंगी। सिर्फ थोड़ा सा वेट ऑयली चाहिए, सॉरी नॉट वेट। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं डिफरेंट शेप्स के कुकी कस्टर्स में यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं पैनकेक का बैटर डालूंगी तो वो डिफरेंट शेप हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है आप सिंपल राउंड भी बना सकते हैं, जस्ट स्प्रिंकल द बैटर। ये एक मैंने इसमें डाल दिया इस शेप में। हीट बहुत लो चाहिए हमें क्योंकि थोड़े थिक है तो थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें पकने में। और कुछ मैं वैसे ही बनाऊंगी बगैर किसी शेप के, जस्ट ऐसे ही डाल दें आप राउंड और जो भी आपको ठीक लगे। मैं पकने दूंगी ताकि एक साइड से ही अच्छे से पक जाए, फिर मैं इन्हें टर्न करूंगी। जब ये पक जाएंगे तो मैं ये मोल्ड से निकाल दूंगी। ओके okay, मैं अब इनको टर्न करूंगी। एक मैंने किया है ये देखें, इसको भी ऐसे ही ताकि दूसरी साइड से भी वो पक जाए अच्छे से। थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि ये मोल्ड्स ऑब्वियसली स्टील के हैं तो ये गर्म हो गए हैं। ऐसे ही टर्न कर दें, ये पक गए हैं इस साइड से आप देख सकते हैं। मोल्ड्स में थोड़े डीप है वो थिक है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। okay, मैं अब इनको डी मोल्ड करूंगी, इनकी जस्ट किनारों के पे मैं छुरी से अराउंड जाऊंगी ताकि वो मोल्ड में से आराम से निकल जाएं किसी पॉइंटी नाइफ से। आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे टोंग्स यूज कर रही हूँ अब क्योंकि ये गर्म है मोल्ड, तो ऐसे उंगली से आप दबा दें। ये देखें ये आ गया है बाहर,
हमारा पैनकेक। ऐसे ही मैं सारे कर दूंगी डीबोन्ड। ये वाले रेडी हो गए हैं, ये मैं निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं दोनों साइडों से ये पक गए हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं ये वाले निकाल रही हूँ प्लेट में। एंड ये हमारे पिज्जा टोस्टीज एंड पैनकेक्स आर रेडी, बिल्कुल तैयार हैं। ये डिफरेंट शेप्स के बनाए हैं और ये बिल्कुल बस प्लेन फ्राइंग पैन में स्पून से डाल के मिक्सचर। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। शेप्स में याद रखें थोड़े डीमोल्ड करना थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो स्टील के हैं। अगर आपके पास सिलिकॉन के हैं तो वो परफेक्ट होंगे। प्लीज़ आप याद रखिए कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो उसे लाइक करें, बेल आइकन दबाना का बटन दबाना याद रखें, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस देखी एंड हम वापस आएंगे किसी एक नई एंड ओरिजिनल रेसिपी के साथ। थैंक यू।